राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत जनपद स्तरीय वैज्ञानिक छात्रों की एक दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस विज्ञान मेला प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि डैड प्राचार्य धीरेन्द्र कुमार और बीएसए आगरा सतीश कुमार ने राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में चयनित विजेता छात्र छात्राओं और बबीता कुशवाहा शिक्षिका को सम्मानित किया। जनपद स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता प्रदर्शनी में बच्चों ने विभिन्न मॉडल प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा के साथ अपनी जिज्ञासा का सुंदर प्रदर्शन किया। विज्ञान प्रदर्शनी को लेकर बच्चों और शिक्षकों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। डैड प्राचार्य धीरेन्द्र कुमार और बीएसए सतीश कुमार ने राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए सार्थक सिद्ध होते हैं। शिक्षकों का कहना है कि बच्चे खासे उत्साहित हैं, इस तरह की वैज्ञानिक प्रदर्शनी होती रहनी चाहिए। ये हमारे यहाँ आज राज्य विज्ञान प्रदर्शनी का जो था डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रदर्शनी यहाँ पे लगी हुई थी। हमारे 16 ब्लॉक इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और हर ब्लॉक से 10-10 मॉडल जो ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता से चयनित होकर के आए हैं उनके सबके मॉडल यहाँ पे हैं और उसका हम लोगों ने अवलोकन किया। एक टीम बनी हुई है, उसमें 3 सदस्यीय जजेज हैं, वो डिसाइड करेंगे कौन मॉडल हमारा टॉप 10 में सेलेक्ट होता है। तो उसका मूल्यांकन चल रहा था और सभी शिक्षकों की बहुत अच्छी सहभागिता रही है, बच्चों के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, टीचरों का एक बड़ा सकारात्मक बिंदु ये निकल करके आ रहा है। जो करंट की समस्याएं हैं जिसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निस्तारण किया जा सके उसके मॉडल की परिस्थिति से लगी हुई है। इसका मेन मोटो ये है कि बच्चों के अंदर जो बाल वैज्ञानिक की जो एक प्रतिभा होती है तो वो बाहर निकल करके आए और उसके आधार पे जो सामाजिक समस्याएं चल रही, चाहे पर्यावरण की समस्या हो या ट्रैफिक जाम की समस्या हो या कचरा निस्तारण की समस्या हो, तो उसको कैसे निदान किया जाए, बच्चों ने उसके आधार पर मॉडल बनाए हैं, वो सब बहुत अच्छे मॉडल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ जो शमशाबाद ब्लॉक का नवादा पूर्व माध्यमिक विद्यालय है उसके 4 बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किए गए जिनको आज यहाँ सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही राज्य अध्यापक पुरस्कार पर सतपाल जी को भी यहाँ सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं 16 ब्लॉक से ये जो प्रतिभागी बाल वैज्ञानिक आए हैं जो हमारे समाज में विभिन्न जो दृष्टिकोण है, अंधविश्वास है या जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका वैज्ञानिक आधार पर किस प्रकार से समाधान किया जाए उस पर आधारित यहाँ मॉडलों का प्रदर्शन किया गया है और बहुत अच्छे मॉडल आए हुए हैं। मैंने खुद ही यहाँ भ्रमण करके देखा है, आप भी एक बार इसको और बेहतर जिले स्तर पर देखा है। कुछ योजनाएं, कुछ और प्रोग्राम, यहाँ हम अपने बेसिक के जितने भी शिक्षक होते हैं उनको मोटिवेट करते रहते हैं। जो खासकर 29,000 की भर्तियाँ हमारे गणित और विज्ञान के शिक्षक आए हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं कि ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को निकाल के लाए जो जिले पर हमारे नाम रोशन करें विभाग का और प्रदेश स्तर पर जिले को भी एक गौरवान्वित स्थान दें। राष्ट्रीय अभियान दिवस के रूप में आज ये जिले स्तर पर कार्यक्रम रखा गया है। पहले ब्लॉक स्तर पर 10-10 बच्चों का चयन हुआ था, उसके बाद में जब हर ब्लॉक से 10 बच्चे यहाँ जिले स्तर पर आए हुए हैं और जो फिर यहाँ सभी अपने अपने मॉडल लेके आए हैं और बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है यहाँ पे और उनमें से अब 10 टॉप 10 बच्चे का चुनाव होगा। जो सबसे अच्छे बच्चों का मॉडल होगा उनमें से टॉप 10 का चुनाव होगा और उसके बाद में वो आगे मंडल पे या प्रदेश स्तर पे आगे प्रतिभा करेंगे। यहाँ बीएसए साहब और डैड प्राचार्य उनके दिशा निर्देशन में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है और हमारी पूरी टीम शिक्षकों की भी पूरी टीम लगी हुई है और अपने अपने बच्चों को लेके आए हैं। नहीं बिल्कुल होगी, क्रिएटिव वर्क आता है बच्चों में, बहुत अच्छा अच्छा बच्चा सीख के करते हैं और अच्छा क्रिएटिव वर्क करते हैं और उससे एक बच्चे की एक मेमोरी डेवलप होती है, बहुत अच्छा लगता है। आज ये जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी है जहाँ 15 ब्लॉक और एक नगर क्षेत्र से ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शनी से चयनित 10-10 बच्चे यहाँ पर आए, लगभग 150 बच्चे प्रतिभा किया है और उन्होंने विभिन्न प्रकार के अपने विषयों को लेकर मॉडल बनाए हैं। ये विषय सामाजिक रूप से और व्यवहारिक रूप से जो कि भविष्य में आने वाली ऊर्जा का प्रबंधन, कचरा का प्रबंधन, सड़कों का प्रबंधन, जाम की समस्या, अन्य विभिन्न सैद्धांतिक मुद्दों पर उन्होंने मॉडल बनाए हैं और सबसे बड़ी बात इन प्रतियोगिता का आयोजन करना है विज्ञान की सोच को बढ़ाना। छोटे से बाल मन में जब विज्ञान की सोच बढ़ेगी, जब विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी तो वे निश्चित रूप से देश में एक दिन अपना नाम करेंगे और अपने गुरुओं की सहायता से बड़े वैज्ञानिक बनेंगे, देश का नाम करेंगे और समाज के लिए कोई ना कोई ऐसा आविष्कार करेंगे जिससे कि सभी लोगों को लाभ हो। मैं पूनम सिंह, सहायक अध्यापक JHS बिछुरी। किस तरह का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया? इधर विज्ञान प्रदर्शनी बच्चों के लिए लगाई गई है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। कितने बच्चों ने, कहां-कहां से बच्चों ने प्रतिभा किया है? 15 समस्त पूरे जिले के बच्चों ने प्रतिभा लिया है यहाँ पर, 15 ब्लॉक पूरे आए हैं, 16 नगर क्षेत्र भी, 16 ब्लॉक। ऊर्जा है बच्चों में बहुत प्रोत्साहन है, ऊर्जा है, उत्साहित हैं और वो
हमेशा यही चाहते हैं कि हमेशा इस तरीके की प्रदर्शनी लगती रहे, उनको मोटिवेशन मिलता रहे विभाग द्वारा, टीचर्स द्वारा, विज्ञान में सीख रहे हैं बच्चे इस प्रदर्शनी से। बच्चे इस प्रदर्शनी से एक तो वैज्ञानिक बनना सीख रहे हैं, ऊपर से उनका विज्ञान की तरफ रुझान भी बढ़ रहा है, काफी बढ़ रहा है रुझान बच्चों का विज्ञान की तरफ। हमारे कुछ बच्चों ने तो ये भी कहा है ऐसी प्रतियोगिता हर विषय की होनी चाहिए, हमको बाहर ले जाया जाए जिससे हमारा मनोबल बढ़े, प्रोत्साहन मिले, हम उत्साहित हों, क्योंकि हम बहुत कम माँ बापों में पढ़ते हैं। इन विद्यालयों में वही बच्चे आते हैं जो बहुत कम माँ बापों से निकल कर आते हैं, जिनको कभी कभी प्रोत्साहन नहीं मिलता है, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है, उत्साहित हो रहे हैं बच्चे। पर्यावरण मित्र अर्थियन की तरफ से एक प्रोजेक्ट का निकला था जिसमें कचरा एंड सस्टेनेबिलिटी पर मैंने प्रोजेक्ट अपने बच्चों के साथ तैयार किया था, मेरे बच्चों ने कार्य किया जिसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला और आज मुझे उसी के लिए पुरस्कृत किया गया था, जिसमें मेरे बच्चों ने कचरा क्या है, क्या कहाँ से आता है, किस तरह से इसका यूज किया जाए, किस तरह से इसका निपटारा किया जाए, इस तरह से 136 पेजेस की फाइल बनी थी, उसमें मेरे बच्चों ने काम किया था तो उसके लिए मुझे पुरस्कृत किया गया है। स्कूल से क्या नाम है आपका? मेरे स्कूल का नाम है पूर्व माध्यमिक विद्यालय नवादा कंपोजिट शमशाबाद आगरा।